जो आ रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट, ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो शहर को नहीं देखेंगे। जिस एरिया में वो जाएंगे उसको तो टिप टॉप किया ही जा रहा है, सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, लेकिन जो जमुना की अगर हालत वो देखें तो पहला सवाल उनके मन में यही आएगा कि ये नदी है या नाला है। उनको समझ नहीं आया क्योंकि नदी में पानी नहीं है और जो बह रहा है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस है, धोबियों के द्वारा बहाया गया मलबा है, जो खेती हो रही है, भैंस है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सबका ये कलेक्टेड होकर के ताजमहल के पिछवाड़े में जा रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो इसको पानी जरूर हम बोलते हैं लेकिन ये पानी नहीं है, इसमें पानी की कोई क्वालिटीज नहीं है, कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, ये जहरीला विषैला टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, इसमें इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस हैं और ये पत्थरों की नींवों को खा रहे होंगे, ये हमारा डर है एक, क्योंकि इस पर कोई स्टडी नहीं हुई है। तो अब नदी में पानी छोड़ने की बार बार इनसे अपील कर रहे हैं कि भैया कुछ दिन के लिए पानी तो छोड़ दो, जिससे कि ताजमहल के पीछे यमुना लबालब भरी रहनी चाहिए, क्योंकि यमुना की वजह से ही ताजमहल वहाँ बना। जो भव्य इमारतें आप देख रहे हैं मुगलकालीन, ये सब यमुना की वजह से बनी, लेकिन यमुना को इन लोगों ने मार दिया है। मारा इसलिए है क्योंकि पानी नहीं है, और नदी में अगर पानी नहीं है तो फिर नदी क्या है, वो तो सूखा एक नाला सा ही है। इसको कहा भी जाता है कि ये सीवेज कैनाल है, तो ऐसे ही स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ से अभी तक ये न धोबी घाट हटे हैं, न ये भैंस गाय जो चल रही है न ये हटे हैं, न नाले टैप हुए हैं, ये नाला खुलेआम बह रहा है पूरे शहर का। उधर बंटोला नाला बिल्कुल ताजमहल से लगा हुआ है, पूरे शहर का मलबा कचरा उसमें नदी में जा रहा है, ये बह नहीं रहा है। तो इसको इन्होंने कोई स्थायी उपाय नहीं करे, एक दिन के लिए वही है, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वही होगा।